मेरा नाम श्याम है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। अभी मेरी उम्र 24 साल है और मैं दिखने में बहुत स्मार्ट और गोरा हूँ। और मैं अभी एक कंपनी में जॉब करता हूँ। उस कंपनी के मालिक नंद किशोर जी कभी कभी आते थे, पर उनकी बेटी श्रुति मैम रो जाती थी। वह भी 23 या 24 साल की होंगी। श्रुति मैम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उनको बहुत पसंद करता था, पर कभी भी यह बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह मालकिन है इस कंपनी की। उन्हीं के वजह से हम जैसों का पेट चलता है। लेकिन उस कंपनी में और बहुत सारी लड़कियां भी जॉब करती हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे एक भी नहीं पटी थी, क्योंकि मैं लड़कियों के मामले में बहुत शर्मीला था। लेकिन जब श्रुति मैम को देखता था तो मेरे दिल में घंटी बज जाती थी। श्रुति भी कभी कभी बड़े भाव से मुझे देखती थी। जब कभी हम दोनों की नज़र मिल जाती तो श्रुति झेप जाती थी। मैं अपने कंपनी का काम बड़ी ईमानदारी से करता था, इसी वजह से नंद किशोर और श्रुति मुझ पर बहुत विश्वास करने लगे थे। कंपनी के काम से मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। मैं अभी अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि इस वैलेंटाइन डे पर किसी लड़की को प्रपोज जरूर करूंगा। अगर वह मान जाएगी तो ठीक है, उसी के साथ जीवन के बारे में सोचूं, नहीं तो दूसरी देखूंगा। फरवरी का महीना शुरू हो गया था। इस समय भी मस्त ठंड का मौसम चल रहा था और मैं ऑफिस के लिए सुबह 10 बजे घर से निकलने ही वाला था कि श्रुति मैम का फोन आया कि श्याम, तुम घर से निकल गए हो ऑफिस के लिए कि अभी घर पर ही हो? तो मैं बोला, नहीं मैम, मैं अभी निकल ही रहा था कि आपका फोन आ गया। फिर श्रुति मैम बोली, तुम घर आ जाओ, पापा बेहोश हो गए हैं। जब मैं श्रुति मैम के घर पहुंचा तो देखा कि नंद किशोर जी बेहोश पड़े हैं और श्रुति मैम रोए जा रही थी। मैंने श्रुति मैम से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब श्रुति मैम ने बताया कि बाथरूम में पापा फिसल गए और उनके सर में ज़्यादा चोट लग गई। अब श्रुति और मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने लगे तो श्रुति का हाथ जब हमारे हाथ को टच किया तो मैं उनको देखने लगा। तभी श्रुति बोली, श्याम क्या देख रहे हो? अब हम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल ले आए तो डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी 2-3 दिन इनको यहाँ रखना पड़ेगा। अब दिन भर की भागा दौड़ी में श्रुति और मैं दोनों थक गए थे। तभी श्रुति बोली, श्याम आज घर मत जाना, क्योंकि मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ अजीबोगरीब केस आते रहते हैं जिसे देखकर मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं बोला, ठीक है। फिर रात को बेड के किनारे बैठ गया और श्रुति टेबल पर बैठ गई। मैं सिर्फ श्रुति को देखे जा रहा था और श्रुति भी मुझे ही देखे जा रही थी। फिर न जाने कब श्रुति मेरे पैरों पर अपना सिर रखकर सो गई। कुछ देर मैं उसको देखता रहा, फिर हमें भी कब नींद लग गई। लेकिन जब रात में हम दोनों को ठंड महसूस हुआ तो एक दूसरे को पकड़कर सो गए। जब सिस्टर आई तो हम दोनों उठाकर कहा, मैंने दवा दे दिया है, आप लोग यहाँ नीचे आराम से सो जाए। उसने एक चादर और कंबल भी दे दी। अब मैं चादर बिछाकर कहा, श्रुति तुम सो जाओ, मैं यहाँ बेड पर ही आराम कर लूँगा। मैं महसूस कर रहा था कि श्रुति भी मेरी तरफ आकर्षित हो रही थी। तभी श्रुति बोली, देखो श्याम, ठंड काफ़ी है, इसी कंबल में हम दोनों ओढ़कर बैठते हैं। मैं भी मान गया, क्योंकि मैं भी श्रुति को पसंद करता था, पर कभी कहा नहीं, क्योंकि वो मालिक की बेटी है। लेकिन अब हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार शुरू हो गया। हम दोनों एक कंबल में थे तो श्रुति ने मुझसे पूछा कि तुम किसी से प्यार करते हो या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? फिर मैंने कहा, इस फालतू के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है,
मैं तो सोच लिया हूँ कि जिससे मुझे प्यार होगा और वह भी मुझे प्यार करेगी तो उसी के साथ जीवन बिता दूंगा। इसी तरह हम दोनों बातें करते करते सो गए। अब ठंडा मौसम की वजह से एक दूसरे से चिपक कर सो गए। जब नंद किशोर को होश आया तो उन्होंने हम दोनों को ऐसे देखा तो श्रुति को आवाज़ दी। अब हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे, फिर वह कुछ नहीं बोले। अब मैं और श्रुति एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मैं तो श्रुति से बोलकर घर गया। दिन भर श्रुति के बारे में ही सोचता रहा। अब मैंने ठान लिया था कि इस वैलेंटाइन डे पर श्रुति को प्रपोज कर लूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। उधर श्रुति भी मुझे अपने दिल की बात बताने के लिए बेताब थी। वह तो अपने पापा को राजी कर लिया था कि श्याम जैसा जीवन साथी मिलना मुश्किल है। उसके पापा भी तैयार हो गए थे। फिर मैं ऑफिस गया तो श्रुति पहले से ही आ गई थी। उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं जब श्रुति को देखा तो देखता ही रह गया। आज तो जैसे लग रहा था कि कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। तभी श्रुति बोली, 2 दिन मैं नहीं आऊँगी। मैं बोला, क्यों, कहीं जाना है क्या? श्रुति बोली, हाँ, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। सोच रही हूँ वैलेंटाइन डे पर कहीं घूम आऊँ। अब मैं उदास हो गया क्योंकि उसी दिन का मैं तो इंतज़ार कर रहा था श्रुति को प्रपोज करने के लिए। अब श्रुति मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं अंदर से जल रहा था। फिर मैं केबिन से बाहर निकल गया। फिर दूसरे दिन श्रुति और उसके पापा दोनों एक साथ ऑफिस आए। तब मालिक ने मुझसे कहा, आज से तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, इसकी सारी जानकारी श्रुति तुम्हें दे देगी। जब मेरा श्रुति से भेंट हुआ तो श्रुति बोली, श्याम तुम भी 2 दिन की छुट्टी लेकर चलो मेरे साथ ऊटी घूमकर आया जाए। अब श्रुति इतना कहकर चली गई, लेकिन उसके दिल में वैलेंटाइन डे पर श्याम के लिए धमाका ऑफर देने को बेताब थी। अब श्रुति अपने प्यार का इजहार और कंपनी के प्रमोशन के बारे में मिलने वाली सुविधा, जैसे एक नया घर, आने जाने के लिए गाड़ी, सब कुछ बताने वाली है। और मैं भी श्रुति को अपने दिल में उसके लिए प्यार है इसका इजहार करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।